हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने नोट्स के माध्यम से भारतीय रेलवे में दिए जाने वाले स्पीड रिस्ट्रिक्शन के बारे में जानेंगे। जब गाड़ी इन रूट में होती है उस समय गाड़ी के प्राइमरी सेकेंडरी सस्पेंशन या एयर स्प्रिंग में कोई खराबी आती है तो गाड़ी को कितने स्पीड से परमिट करना है, गाड़ी को कटवाने हैं या गाड़ी के साथ TXR एक कंपनी करेंगे वो किस स्थिति में करेंगे उसके बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि स्पीड रिस्ट्रिक्शन किन किन कोचों के लिए होते हैं। तो यह हमारा ICF, LHB और हाइब्रिड कोचों के लिए मोस्टली किए जाते हैं। वो सबसे पहले नंबर पर देखेंगे कि ICF और LHB कोच में जब प्राइमरी सस्पेंशन में एक्सल बॉक्स स्प्रिंग यानी जो प्राइमरी सस्पेंशन के अंतर्गत आते हैं उसमें अगर जब क्रैक वगैरह आ जाए तो उस केस में हम कितने स्पीड से परमिट करेंगे। तो इनरूट में जब बिना खिसकी स्प्रिंग हो, टूटी तो हो लेकिन वो अपनी जगह से खिसकी नहीं हो, तो उस स्थिति में हम 100 किलोमीटर पर आवर से हम गाड़ी को अगले स्टेशन तक परमिट कर देंगे। नेक्स्ट सेकेंड नंबर की बात करें तो ICF कोच में ही जब सेकेंडरी सस्पेंशन के अंतर्गत हमारा बोलिस्टर स्प्रिंग आते हैं वो अगर टूटे हुए हो तो हम उस गाड़ी को परमिट नहीं करेंगे। तीसरे नंबर की बात करें जिसमें हमारा हाइब्रिड और LHB कोच आते हैं जिसमें हमारा एयर स्प्रिंग लगे होते हैं, जब वो लीकेज हो, हैवी लीकेज या उससे प्रेशर निकल रहे हो तो उस केस में हम डिफेक्टेड बोगी को आइसोलेटिंग बल्ब से हम आइसोलेट कर देंगे और अगले स्टेशन के लिए हम 60 किलोमीटर पर आवर से हम अगले स्टेशन को परमिट करेंगे। फोर्थ नंबर पर देखें तो इसके हमारा LHB कोच है जिसमें पहले कोच में हमारा अब वर्तमान में हमारा एयर स्प्रिंग सेकेंडरी सस्पेंशन में प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन में क्वाल स्प्रिंग प्रयोग किए जाते थे जो नेस्टेड क्वाल स्प्रिंग के रूप में जानते थे। जब उसमें आउटर फ्लेक्सी क्वाल स्प्रिंग जब टूट जाते थे तो उस केस में अधिकतम हम 90 किलोमीटर पर आवर से अगले स्टेशन के लिए परमिट करते थे, लेकिन उसके साथ स्कॉटिंग स्टाफ भी साथ में जाते थे। उसके लिए कंडीशन था कि सिर्फ एक स्प्रिंग टूटी होनी चाहिए और सिर्फ एक जगह से ऊपरी या नीचे जगह से क्वाइल स्प्रिंग टूटी होनी चाहिए और वह घिसके हुए नहीं होने चाहिए अपनी जगह से। उस केस में हम 90 किलोमीटर से परमिट करते थे और साथ में हमारा एक कंपनी और TXR स्टाफ एक कंपनी अगले स्टेशन तक करते थे। और इसमें कंडीशन थे कि इसका जो बम्प स्टॉप होते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन के पास में वह शून्य अवस्था में नहीं होने चाहिए थे। नेक्स्ट पाँचवें नंबर की बात करें तो LHB कोच में जब क्वाइल आउटर स्प्रिंग प्राइमरी सस्पेंशन में होते हैं तो उस केस में जब वह टूटी होनी होगी तो उस केस में हम TXR स्टाफ साथ में जाएंगे और 80 किलोमीटर पर आवर से हम गाड़ी को परमिट करेंगे। उसके लिए कंडीशन है कि सिर्फ एक प्राइमरी आउटर स्प्रिंग टूटी हो और अन्य सभी प्राइमरी या सेकेंडरी या एयर स्प्रिंग अपने अच्छी हालत में होनी चाहिए, जिनका परमिट करने से पहले गहन परीक्षण कर ले। सेकेंड कंडीशन की बात करें तो प्राइमरी आउटर स्प्रिंग सिर्फ एक जगह से टूटी होनी चाहिए जो ऊपरी या निचले से हो, इसका बराबर बम्प स्टॉप सही होनी चाहिए और प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर टूटा या लीक नहीं होने चाहिए। कंट्रोल आर्म जो लगे होते हैं वो हीटिंग मार्क ट्रेड के साथ क्रैक वगैरह नहीं होनी चाहिए, तब उस कंडीशन में हम इस गाड़ी को हम 80 के स्पीड से स्कॉटिंग स्टाफ के साथ परमिट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको अगले वीडियो चाहिए ताकि मैं उस वीडियो को आपके पास ला सकूँ।